सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपके मोबाइल के बारे में, मतलब आपका मोबाइल कहीं हैक तो नहीं है। जो ये मोबाइल आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, कहीं आपका ये मोबाइल हैक तो नहीं है। अगर ये आपका मोबाइल भाई हैक हुआ, मतलब आपके सारे मैसेज, सारी वीडियो, सारी ऑडियो, सारे फोटोज अगर कोई और देख रहा होगा, तो भविष्य में वो कभी भी आपको भाई ब्लैकमेल कर सकता है आपके मोबाइल के जरिए, क्योंकि भाई वो आपके फ़ोन को पूरा ऑपरेट कर रहा है और आपको पता नहीं है। ये कैसे चेक करना है कि आपका मोबाइल हैक है नहीं है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। कहीं आपकी जीमेल आईडी हैक तो नहीं है। अगर आपकी कहीं जीमेल आईडी हैक होगी और उसके फोन में वो लॉगिन होगी, तो वो पूरी सारी एक्टिविटी आपकी जो है उसके फोन में रिकॉर्ड हो रही है। मतलब आप किससे चैट कर रहे हैं, किससे आप कहां कहां पर आप जा रहे हैं, किस किस से आप बातें कर रहे हैं, या कौन कौन सा फोटो आप किसको सेंड कर रहे हैं, किससे वीडियो कॉल कर रहे हैं, सब कुछ जो है उसको पता चल रहा है। और अगर आपका व्हाट्सएप हैक हुआ तो तब भी ये सारी चीजें वो जो है आपकी देख रहा है, आपको आपके फोन को पूरा ऑपरेट कर सकता है व्हाट्सएप के जरिए भी। और अगर फेसबुक भी आपकी हैक हुई तो उससे भी आपका पूरा फोन वो हैक कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है और उससे कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। और इसी तरह से अगर कहीं आपका इंस्टाग्राम, क्योंकि भाई जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो सारी की सारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, और आजकल के हैकर इतने स्मार्ट है भाई, वो किसी का भी पासवर्ड जो है हैक करके किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं। और आज के टाइम में जो ये मोबाइल होता है ना भाई, ये सबका जो है पूरी लाइफ है। मतलब अगर ये हैक हुआ तो पूरी लाइफ आपकी हैक हो गई, क्योंकि इसी में भाई आपका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो इन सबको वो हैक करके आपको बर्बाद कर सकता है। मतलब आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि आपकी जो है पूरी लाइफ, आजकल की जो पूरी लाइफ है ना भाई, वो इस मोबाइल में ही है। पूरी लाइफ जो है इस मोबाइल में लेके घूमते हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर फोन हैक हो गया। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, कैसे पता करेंगे आपका मोबाइल हैक है, व्हाट्सएप हैक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या क्या चीजें हैक है और हैक नहीं है, और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनसे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में यही सारी चीजें आजकल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में आप ये सब काम करना भूल जाते हैं। तो देखो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि बाद में मुझे मैसेज आते हैं कि ये ऑप्शन मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, वो ऑप्शन उन्हें नहीं मिलते जो वीडियो को जो है स्किप करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताऊंगा, अगर आपका व्हाट्सएप हैक है नहीं है तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पर आ जाना है। व्हाट्सएप पर आने के बाद आपको जो ऊपर ये थ्री डॉट मिलते हैं ना भाई कोने में, बिल्कुल आपको इन पर जाना है। यहां जाकर आपको एक ऑप्शन चेक करना है, ये देखिए लिंक्ड डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, देखिए लिंक्ड डिवाइस, और यहां पर क्या आ रहा है भाई गूगल क्रोम, मतलब मेरा व्हाट्सएप कहीं गूगल क्रोम में भी ओपन है और 19 मार्च को जो है लॉगिन हुआ था ये देखिए, और 10:07 PM पर मतलब लॉगिन हुआ था। तो मुझे तो पता है भाई ये कि मेरा कंप्यूटर है, मेरे ही कंप्यूटर में मेरा व्हाट्सएप लॉगिन है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और जो है कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं है और फिर भी आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा जो है डिवाइस शो होता है, आप किसी का मोबाइल है, किसी का कंप्यूटर है, तो समझ लेना आपका व्हाट्सएप कहीं और पर भी लॉगिन है। किसी ने आपका व्हाट्सएप बार कोड के थ्रू अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में लॉगिन किया हुआ है और आपकी सारी फोटोज़, वीडियोस, ऑडियो कॉल, क्या क्या चैट आप किससे कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका देख रहा है। तो ये आपको चेक करते रहना है, अगर कहीं ऐसा है तो उसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट कैसे करना है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरा डिवाइस नहीं है, किसी और का है, हैकर का है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आता है लॉग आउट, तो हमें यहाँ पर लॉग आउट कर देना है। तो वहाँ से वो डिवाइस हैकर का लॉग आउट हो जाएगा, तो वो हमारी कुछ भी एक्टिविटी अपने फ़ोन में या मोबाइल में नहीं देख पाएगा। तो ये तो हुआ व्हाट्सएप का सॉल्यूशन, ध्यान से देखना भाई। अब मैं आपको बताऊंगा फेसबुक का सॉल्यूशन। देखिए बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई मेरी फेसबुक हैक हो गई है, मेरी जो है चैटिंग अपने आप हो रही है, उसमें अपने आप पोस्ट हो रही है, वीडियो अपने आप अपलोड हो रही है, कोई फोटो अपने आप अपलोड हो रहा है, कमेंट अपने आप हो रहे हैं, तो वो सब हैकिंग के थ्रू ही होता है और आपको पता नहीं है कैसे उसको जो है हटाना है। तो देखो सबसे पहले आपको फेसबुक पर आना है। फेसबुक पर आने के बाद जो भी आपका अकाउंट है आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल का आइकन शो होगा, और यहाँ पर आइकन शो होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सेटिंग मिलती है, तो आपको भाई सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ये देखिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर, और जिन भाइयों को ये सेटिंग का ऑप्शन यहाँ ऊपर नहीं मिलता तो उनको नीचे जाना है, और ये देखिए यहाँ पर मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी, और फिर ये सेटिंग, इसमें चले जाना है सेटिंग में। तो ये भी सेम वही प्रोसीजर है, वहीं पर लाकर छोड़ेगा ये देखिए। फिर यहाँ पर आने के बाद हमें जाना है भाई सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है भाई हमें, ये देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, हमें इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए क्या मिलता है भाई, वेयर यू आर इन लॉग्ड इन, मतलब आपका मोबाइल कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, सॉरी मतलब आपका फेसबुक अकाउंट या फेसबुक आईडी कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, किन डिवाइस पर लॉगिन है, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कहाँ, जहाँ भी आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन है, तो वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आकर आपको अपनी जो है फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट करना है, ये फेसबुक हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, और ये भी इंस्टाग्राम हो गया, तो हमें फेसबुक देखना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये दिखा दिया इसने भाई
देखिए अकाउंट लॉगिन एक्टिविटी, मतलब किस किस जो है डिवाइस में मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है, देखिए कितने सारे डिवाइस आ गए। तो मुझे पता है ये सैमसंग गैलेक्सी A52 भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, और ये विंडो पीसी भी मेरा ही है, मेरा ही कंप्यूटर है, ये मोबाइल भी मेरा ही है, मतलब ये इसलिए इतने डिवाइस दिखा रहा है ये, बल्कि सारे मेरे हैं। ये फेसबुक फॉर विंडो फ़ोन ये भी मेरा ही है, ये सैमसंग गैलेक्सी ये भी मेरा ही है, क्योंकि अगर हम कई बार अपना फ़ोन जो है किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर लॉग आउट कर दिया, दोबारा से लॉग इन कर दिया, तो वही जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है तो यहाँ पर शो होता है। तो मुझे पता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो एक ही मोबाइल है भाई, सैमसंग का या वन प्लस का या रेडमी का किसी का भी, और उसमें लॉग इन होने के साथ साथ यहाँ पर कोई दूसरा डिवाइस शो हो रहा है इस तरह से, तो समझ लो आपका फेसबुक अकाउंट किसी और फोन में या कंप्यूटर में लॉगिन है। तो वहां पर आपकी फेसबुक अकाउंट हैक हो सकती है, हैकर आपका जो है बहुत गलत फायदा उठा सकता है, आपका गलत यूज कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो आपको क्या करना है, तो मान लो ये डिवाइस मेरा नहीं है और इस डिवाइस से हमें अपने फेसबुक अकाउंट को यहां से लॉग आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मान लो इस डिवाइस से हमें लॉग आउट करना है, ये डिवाइस जो हमें दिखा रहा है, तो इस पर यहां पर क्लिक करेंगे और जो नीचे आ रहा है लॉग आउट, इसको लॉग आउट कर देंगे। तो सामने वाले के डिवाइस से, हैकर के डिवाइस से हमारा जो है फेसबुक अकाउंट, फेसबुक आईडी यहां पर लॉग आउट हो जाएगी। तो इस तरह से वो हमारे जो है फेसबुक को भी जो है हैक नहीं कर पाएगा। और अगर आपसे यहां से लॉग आउट नहीं होता है तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, तुरंत अपना पासवर्ड करो, नहीं तो आपकी फेसबुक अकाउंट जो है हैक ही रहेगी और वो कुछ भी उसका गलत यूज कर सकता है, किसी के पास मैसेज कर सकता है, कोई गलत पोस्ट कर सकता है, कोई जो है ऐसी पोस्ट वायरल कर सकता है जो बहुत ही गलत हो सकती है, जिससे जो है कोई पंगा हो सकता है। तो आपको यहां से ये दोनों काम कर लेने हैं, या तो लॉग आउट कर लेना है या पासवर्ड अपना चेंज कर लेना है। अब आपको बताता हूं यहीं पर, कहीं भाई आपकी जीमेल आईडी तो हैक नहीं है, अगर आपकी जीमेल आईडी हैक हुई तो उससे भी भाई हैकर बहुत जो है आपको गलत नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब उसका गलत फायदा उठा सकता है। तो देखिए जीमेल आईडी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके फोन में जीमेल आईडी का जो आइकन आता है उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आपका जो है यहां पर प्रोफाइल का आइकन शो होता है, उस पर चले जाना है। अगर आपकी जीमेल आईडी हैक हुई, मतलब जीमेल आईडी किसी और फोन में लॉगिन हुई, तो उस बंदे के पास आपके सारे कॉन्टैक्ट भी होंगे, आपकी जितनी भी फोन में एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में वो मेल आईडी आपके फोन में लॉगिन है, तो उन एप्लीकेशन का वो बंदा एक्सेस ले सकता है अपने फ़ोन में, उन एप्लीकेशन को रन कर सकता है और आपकी सारी डिटेल रख सकता है, फ़ोन पे भी चला सकता है आपका, गूगल पे भी, पेटीएम भी, और आपके सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को हैंडल कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी आपका यही है, आपको अपनी मेल आईडी किसी के फ़ोन में अगर लॉगिन है वो, तो उसे लॉग आउट करना है, मतलब हटाना है, नहीं तो हैक हो जाएगा आपका फ़ोन। तो देखिए आपको यहाँ पर जाना है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपकी मेल आईडी आ गई, जो भी आपकी मेल आईडी होगी तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिससे भी आपकी जो है अकाउंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट पर चले जाना है। जैसे ही गूगल अकाउंट पर जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो आपको इधर जो है लेफ्ट में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर जाएंगे, तो सिक्योरिटी पर जाते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन क्या शो होता है भाई, मैनेज ऑल डिवाइस, यहीं पर भी ये शो होगा कि कहाँ पर किस किस मोबाइल में हमारी जीमेल आईडी लॉगिन है और किस किस ने लॉगिन कर रखी है और क्या हमारी जीमेल आईडी से वो कर सकता है। तो यहीं पर जाना है मैनेज ऑल डिवाइस में, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया भाई योर डिवाइस, मतलब हमारी मेल आईडी किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो देखिए यहाँ पर कितने डिवाइस आ गए भाई, ये देखिए यहाँ पर चार डिवाइस तो ये आ गए, गैलेक्सी A52 ये तो मेरा ही मोबाइल है, ये भी मेरा ही मोबाइल है, और भाई ये नीचे भी मेरा ही मोबाइल है। मतलब इसने क्या किया हुआ है, जब जब भी मैंने अपनी मेल आईडी लॉग आउट करके लॉगिन की हुई है तो उसने यहाँ पर शो कर दिया है, ये देखिए 27 फरवरी, 5 मार्च, ये मैंने लॉग आउट की हुई है किसी वजह से तो दोबारा से लॉगिन किया है, तो वही रिकॉर्ड ये कर लेता है कि यहाँ पर इस डिवाइस में इस टाइम पर आपकी जीमेल आईडी लॉगिन हुई है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर टाइम टाइम पर आपको चेक करना है। और यहाँ पर नीचे आ जाता है भाई कंप्यूटर, मान लेते हैं ये कंप्यूटर है और मुझे लगता है कि मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है और यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है, तो हमारी मेल आईडी किसी और कंप्यूटर में लॉगिन है, तो वहाँ पर वो उसका भी गलत यूज़ कर सकता है। तो उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर किसी भी जो भी हमें लगता है कि ये हमारा कंप्यूटर नहीं है या मोबाइल नहीं है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है भाई साइन आउट का, तो साइन आउट कर देना है। तो उस कंप्यूटर या मोबाइल से या कोई भी डिवाइस होगा, टैब होगी, टैबलेट होगी, कुछ भी, उससे लॉग आउट हो जाएगा, तो सामने वाला उसका भी कुछ फ़ायदा या गलत यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जीमेल आईडी, फेसबुक और जो है आपका व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको चेक करते रहना है। अब नंबर 4 पर आता है भाई, बहुत ही पॉपुलर ऐप है इंस्टाग्राम, कहीं आपका इंस्टाग्राम तो हैक नहीं है, इंस्टाग्राम के थ्रू तो हैकर कहीं आपका मोबाइल जो है हैक नहीं कर पा रहा है, कर रहा है, या वहाँ पर फोटो आपके चोरी कर रहा है, वीडियो चोरी कर रहा है, या आप किस किस से चैट कर रहे हैं, या किस से वीडियो कॉल कर रहे हैं, किस से ऑडियो कॉल कर रहे हैं, तो सब कुछ वो देख तो नहीं रहा है। तो ये आपको कैसे पता करना है, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम में आ गए, यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल आती है सबसे नीचे, ये देखिए ये सबसे नीचे आपको शो हो रही है, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ एक बार,
ये देखिए ये प्रोफाइल आ रही है हमारी, नीचे शो हो रही है हमें, हमें इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद देखिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको थ्री लाइन दिखाई देती है, थ्री लाइन पर जाओगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाओगे, यहाँ पर आपको सारे स्टेप फॉलो करते रहने हैं। कभी बीच में स्किप करके देखोगे फिर मुझे कमेंट पे कमेंट आते हैं, भाई मुझे ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो आप जो है यहाँ से देखते रहना पहले। तो यहाँ पर आने के बाद अकाउंट सेंटर में चले जाना, अकाउंट सेंटर में जाते ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पर क्या कहाँ पर जाना है भाई, ये देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, सेम आपको जो है फेसबुक वाले जो है यहाँ पर फीचर मिलेंगे, वही आपको फॉलो करते रहना है। तो यहाँ पर जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर आ गया वेयर यू आर लॉग्ड इन, आपको लॉग्ड इन कहाँ कहाँ पर है वही शो हो जाएगा ये देखिए। तो जो भी आपका अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का है या किसी का भी। तो मेरा ये अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तो मुझे ये चेक करना है सेम ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, सेम प्रोसीजर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेटा की ये फेसबुक है, मेटा का इंस्टाग्राम है, तो सेम ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दिखा दिया अकाउंट लॉगिन एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, देखिए 52 मेरा ही है, डिवाइस टाइप कंप्यूटर मेरा ही है, ये भी मेरा ही है। तो अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी आपका नहीं है तो आपको उसी पर यहाँ पर सेलेक्ट डिवाइस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और लॉग आउट कर देना है, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर आएगा लॉग आउट। और आप अगर कहेंगे भाई यहाँ पर मेरठ सिटी आ रहा है या बुढ़ाना आ रहा है, तो ये भाई क्या होता है, ये बेसिकली जो है नेटवर्क लेता है, हम कहीं पर गए मानने के बाद हम किसी शहर में चले गए और वहाँ पर नेटवर्क पकड़ रहा है मेरठ के, तो वो मेरठ ही शो हो जाएगा यहाँ पर, जिस टाइम पर भी हम वहाँ पर गए हैं तो वो शो हो जाएगा। तो ये दिखाता है, आप ये मत सोचना कि मेरठ में लॉगिन है, ये सिर्फ नेटवर्क का है। तो अगर कहीं आपको लगता है डिवाइस मेरा नहीं है तो उस पर क्लिक कर आपको यहाँ पर लॉग आउट कर देना है। अब आपका चार काम हो गए, आपकी जीमेल आईडी सेफ हो गई, व्हाट्सएप सेफ हो गया, इंस्टाग्राम सेफ हो गया और आपकी फेसबुक सेफ हो गई। अब आपको सबसे मेन चीज क्या चेक करनी है, आपको अपने फोन में आना है। फोन में आने के बाद मतलब मोबाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है आपको एक एक करके चेक करनी है कि भाई ये एप्लीकेशन है, जैसे मानने की बात है ये एप्लीकेशन है AR जोन, और हमें लगता है ये तो मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया ना मैं इसका कभी यूज़ करता हूँ, तो आपको ये ओपन करके देखनी है ये एप्लीकेशन एक्टिविटी क्या कर रही है, कहीं हमारा मोबाइल ये कहीं और कास्ट तो नहीं कर रही है, कहीं हमें जो है ये रिमोट पर रिमोट एक्सेस तो किसी को नहीं दे रही है, या किसी कोई बंदा इस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे जो है मोबाइल को जो है ऑपरेट तो नहीं कर रहा है, हैक तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको लगता है कोई सस्पिशियस एप्लीकेशन है तो उसको आपको तुरंत से जो है डिलीट या अनइंस्टॉल कर देना है। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हो, अपनी लाइफ को हैक होने से बचा सकते हो, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, अपने बैंक अकाउंट को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को, सबको हैक होने से बचा सकते हो। तो अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना।